बाबा जी, ओ बाबा जी। बैठो बच्चा, आओ। नहीं नहीं बैठना नहीं है, आपको वो चीला किधर है? क्या? हाँ हाँ आपका चीला, पता है उसने क्या कर रखा है? क्या किया है मेरा चीला? आपका चीला पूरा गांव में तबाही मचा रखा है। कभी किसी का गाय चोरी करके ले जाता है, कभी किसी का भैंस चोरी कर लेता है, कभी किसी का बकरी, और आज मेरा मुर्गी चुरा लिया आपका चीला ने। क्या? हाँ, कहाँ गया आपका ये चीला? आज मेरा मुर्गी नहीं मिला तो देख लेना क्या करूंगी मैं आपके चीला को। मेरा चीला? अरे बच्चा, मेरा चीला तो एक महीना पहले गुजर गया। क्या? हाँ हाँ, तुम मेरे चीले के बारे में ऐसे कह रहे थे। अरे अरे, ये आप क्या बोल रहे? वो आज तो मेरा मुर्गी चुराया, सबने देखा गांव का। क्या? हाँ। तुम्हारे गांव आया था? हाँ। सब कोई ने देखा था? हाँ। क्या बोल रहे आप? परसों तो गाय चुराया था उसने। अरे बच्चा, तुमको पता नहीं है तो? क्या? मेरा जो चेला था ना, हाँ, अगर किसी के घर में कष्ट दुख तकलीफ रहता था, हाँ, तो खुद चला जाता था जिंदा में। पर वो जब मर गया है तो कैसे तुम्हारा गांव चला गया? ओह, यानी कि छिनर कट्टा बाबा का देन सही है। मेरा चेला को ऐसा वरदान मिला था जो कहा गया था, जो तुम मर भी जाओगे तो फिर भी तुम कारनी को भलाई करोगे। इसका मतलब तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में किसी भूत पिशाच का हाका हाकी डैन का घेरा में पड़ा हुआ है ना? अरे हाँ बच्चा, हाँ, मेरा चेला ऐसा नहीं जाता है। अरे वो तो भगवान का रूप था मेरा चेला, पर वो मर गया, मरने के बाद भी जा रहा है। इसका मतलब ये सोचो तो तुम कितने खुश नसीब हो। पर वो तो मेरा मुर्गी चुरा ले गया। अरे वो तुम्हारा मुर्गी चुरा नहीं रहा है, वो मेरा चेला का आत्मा। आप भली तुम्हारा चेहरा आंखों के नजर में आता होगा, पर वो चुरैल हका हकी डैन ये तुम्हारा घर में प्रवेश है, इसीलिए वो चेला जाता होगा रूप लेके। आप क्या बोल रहे हैं? अरे बच्चा, हम सही बोल रहे हैं। अब क्या होगा? घबराओ मत, तुम घबराओ मत, बस तुमको एक छोटा सा काम करना है बच्चा। क्या काम बाबा? अगर जी? वो कर लोगे, हाँ, तो तुम्हारा घर में हका हकी डाइन हट जाएगा। और जब ये हटेगा तो तुमको चेला नजर नहीं आएगा। और सोच लेना, जब चेला नजर नहीं आ रहा है तो तुम्हारा घर में कोई तो दुख तकलीफ नहीं है। अगर चेला वापस आ रहा है तो सोच लेना तुम्हारा घर में हका हकी डाइन है। ये भगवान से मत बोला। ठीक है बच्चा, घबराओ मत। खैर, मेरा चेला को आत्मा को शांति दे जो कार्य को भलाई करता है। बच्चा, इसके लिए तुमको अभी बाबा के साथ आश्रम के भीतर जाना पड़ेगा। हाँ बाबा, मैं चली जाऊंगी, पर आश्रम के भीतर जाके मैं क्या करूंगी? अरे बच्चा, करना क्या है, क्योंकि जिसका आंखों से मेरा चेला को देखता है उसी के शरीर के ऊपर डैन का सवार रहता है। तुम्हारा झाड़ लगाएंगे, निर्वस्त्र करके तुमको झाड़ लगवाना पड़ेगा बच्चा। पर गांव में सब कोई देखा था आपका चेला को। अरे गांव में देखा था, पर वो किस्मत चाहिए जो अपना झाड़ लगवा ले। तुम्हारा किस्मत सही है बच्चा, जो तुम सही टाइम में चला आया है। अच्छा बाबा जी, हमको करना क्या पड़ेगा, आप सिर्फ इतना बताइए। अरे बच्चा, करना यही है कि तुमको निर्वस्त्र होना है, और उसके बाद बाबा तुमको झाड़ लगाएगा। ठीक है बाबा जी, लगा दीजिए मेरे को झाड़, और मेरे को सबसे मुक्त कर दीजिए। ठीक है बच्चा, चलो आओ। लिए बाबा, आओ आओ बच्चा। बच्चा जी, बाबा जी, अब तुम अपना वस्त्र खोलो। क्यों बाबा जी? अरे तुमको बोले ना, निर्वस्त्र होना पड़ेगा इसके लिए, तभी ना तुमको जी। जी बाबा जी, क्या बोल रहे हैं आप, मैं ऐसे नहीं कर सकती। तो नहीं करना तो जाओ, इसी तरह मरोगे। नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं आप, पर मैं आज तुम्हारा मुर्गी लेके गया है, कल तुमको भी उठा के लेके चला जाएगा। ये क्या बोल रहे आप जी? बाबा जी, जल्दी मेरे संग झाड़ पोछा लगा दीजिए। ठीक है बच्चा। बाबा जी कहाँ गए? बाबा जी, बाबा जी क्या, उसका चेला आने दो, दोनों से उसको समझाऊंगी आज। बच्चा, हाँ बाबा, एक काम करो, तुम अभी इधर मत जाओ, क्योंकि इधर भी परेशान करने आ गया, हाका डैन आ रहा है। तुम इधर से घर चले जाओ, घर चले जाओ सीधा। हाँ, सुनो, चली तो जाऊंगी, पर मेरा
सब ठीक हो जाएगा। अरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अगर बाय चांस तुमको फिर अगर चला दिखे तो दोबारा चलाना, क्योंकि अभी हका की डाना है। चलो चलो आती हूँ बाबा जी। ठीक है जाओ, सीधा चले जाओ। अरे बच्चा आ गया, कहाँ थी इतनी टाइम? अरे बच्चा यहाँ पे बैठी हूँ, क्या करे क्या करे, ऊपर बैठ के शोक मना रहे थे नीचे। बोलो क्या तुम्हारा परेशानी है? चेला है वो कहाँ है? चेला पता है, सारा गांव परेशान करके रखा हुआ है। क्या? हाँ क्या, और मेरा जो बकरी है ना वो चोरी कर लिया। वो तुम्हारा बकरी चोरी कर लिया? वो भी मेरा चेला? हाँ बहुत परेशान हो उसको लिए सारा गांव का सब आदमी। अरे बच्चा मेरा चेला तो एक महीना पहले गुजर गया है। हाँ क्या सही में बच्चा कह रहा हूँ मैं, मेरा चेला एक महीना पहले मर गया है। पर बच्चा मेरा चेला जिसका घर जाता था, जिसका दुख तकलीफ रहता था, उसी के गांव जाता था और उसी के घर में जाता था, पर मरे मरने का बाद भी मेरा चेला गया था तुम्हारा गांव, तुम देखे हो? हाँ काल भी देखे थे मैं उसको। क्या तुम्हारा घर जाता है वो हमेशा? क्या बोलूं मेरे घर पे नहीं, गांव का सारा घर। अरे इसका मतलब तुम्हारा गांव में हका हकी डायन घुसा हुआ है क्या? हाँ जिसका घर में अगर मेरा चेला दिख जाए तो उसको सोच लो जो उसका घर में दुख तकलीफ है, तभी मेरा चेला जाता था। पर देखो छिनरकट्टा बाबा का देन, जो चेला को ऐसा आशीर्वाद मिला है जो मरने के बाद भी वो किसी के घर में दुख तकलीफ होता है तो चल जाता है। तुम्हारा घर में लगता है हका हकी डायन प्रवेश किया है। क्या बोल रहे बाबा जी? अरे हाँ बच्चा, तुमको दिख रहा था मेरा चेला को? हाँ। इसका मतलब तुम्हारे शरीर पर तांडव कर रहा है वो। क्या? अरे हाँ बच्चा, आज तुम्हारा बकरी लेके गया है, कल तुमको भी उठा के लेके चला जाएगा बच्चा। हाँ इसको कहते हैं फदनुग्रह, फदनुग्रह। क्या? हाँ इसका पहले तो इसका नाम ही नहीं सुना, क्या होता है ये? अरे वो सब छोड़ो, ये सोचो जो आप तुम बचोगी कैसे। हाँ हाँ वही बताए ना बाबा जी। देखो बच्चा इसके लिए तुमको बाबा जो जो बोलेगा सो कर पाओगे तुम? हाँ हाँ कर पाऊंगी, क्यों नहीं करूंगी जीने के लिए। हाँ इसके लिए तुमको बाबा के साथ आश्रम के भीतर जाना पड़ेगा। क्या आश्रम के भीतर? हाँ बच्चा। पर क्यों? क्योंकि वहाँ तुमको ले जाके निर्वस्त्र करके तुमको झार लगाएंगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर पर जो हाका हाकी डाइन है ना वो तांडव कर रहा है। पहले ये बता तुम मेरा चेला को देखते हो? हाँ। तब पक्का हाका हाकी डाइन तुम्हारा तांडव कर रहा है। हे जल्दी से तुम ये झार लगवा लो। हाँ। नहीं तो तुम मर जाओगे। ठीक है बाबू जी, तो फिर जल्दी चलिए। ठीक है चलो चलो, तो शुक्र मनाओ तुम्हारा भाग। हाँ। अच्छा था जो तुम हमारे पास चला आए। आओ आओ चलिए बाबा जी। बच्चा। हाँ बाबा जी। अब तुम अपना कपड़ा खोल लो। क्या बोल रहे बाबा जी? अरे हाँ हम तुमको बोले थे ना इसके लिए तुमको निर्वस्त्र होना है, तभी तुमको हम झाड़ लगाएंगे। क्या? हाँ ये सब करना पड़ेगा? अरे हाँ बच्चा हाँ, तभी वो हका हकी डायन हटेगा, नहीं तो कभी नहीं हो जाएगा। ओ नहीं बाबा जी, पर ऐसे क्यों करूंगी मैं? कहता है तो जा जा, जब तुमको जान ले लेगा तब पता चलेगा। जा जा। नहीं नहीं चलो चलो जा जा। क्या करूं ये बात तो सही है, मैं बाबा जी का चेला को देखता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ तो है मेरे ऊपर। अरे क्या सोच रहे हो, जाओ जाओ जाओ, हमको नहीं करना है, जाओ। एक बार कर लेते हैं जीने के लिए। बाबा जी सुनिए ना। क्या? ठीक है मैं तैयार हूँ। नाकर नुकर नहीं ना करोगे? नहीं बाबा जी। आओ आओ। बाबा जी आप चेला वहाँ पे नाच रहे, हम देख रहे हैं बाबा जी। बाबा जी वहाँ पे नाच रहे हैं चेला। कहाँ हमको दिख रहा है? ये तो यहाँ पे देखिए ना। अरे बच्चा कहाँ तुमको दिख रहा है? इसका मतलब बच्चा तुम्हारा झार पूरा से नहीं हुआ है। क्या? हाँ तुम एक काम करो,
ठीक इसी समय कल आ जाना, ठीक है? तुमको दोबारा झाड़ लगाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा समस्या दूर होगा, समझे बच्चा? तुम हमको तो दिख ही नहीं रहा, तुमको दिख रहा है अभी भी? तुम निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। बाबा जी पीछे पीछे तो नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, हम इसको बांध के रखते हैं। जल्दी जल्दी जाओ। चला बाबा, क्या हम लोग नसीब वाले हैं? जो दिमाग लगाए वही काम हो गया है, इसलिए ना हम तुमको गांव घर में भेजे थे। तो जाओ तंग करो, किसी का मुर्गी चोरी कर लो, किसी का बकरी चोरी कर लो। बाबा हाँ, एक बात तो बताया नहीं आपको। क्या? मुर्गी और बकरी? हाँ वो तो छोड़ो, वो तो छोटा मोटा पैसा था। अच्छा अच्छा अच्छा, आज एक बड़ा सा गाय बेच दिया। गाय बेच दिया ना? अच्छा, इसी तरह करता रहा, इसी तरह करता रहा। तू धन कमा, हम धन कमाते हैं क्या? ताल से ताल।